का आज 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर रिम्स में 73 पाउंड का केक काटा जाएगा। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 72,000 से ज्यादा गरीबों को खाना खिलाने का ऐलान किया और आज के दिन को आरजेडी गरीब सम्मान दिवस के रूप में अब मनाएगी। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम 144 करोड़ की 72,000 LED स्क्रीन नहीं लगाते हैं बल्कि गरीबों को भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। आज तेजस्वी यादव रांची जेल में अपने पिता लालू यादव से मुलाकात भी करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई, उन्होंने ट्वीट करके अपने पिता को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि जेपी आंदोलन को लीड करने और देश में फांसीवाद की चूल्हे हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंडल कमीशन के हीरो को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, मिस यू सो मच पापा। इससे पहले भी इस तरीके के ये पोस्ट लिखते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को अपने पिता को वो कितना मिस करते हैं और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पे उन्हें जन्मदिन की बधाई तो दी ही और एक बार फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तेज प्रताप ने लालू यादव को कुछ इस तरीके से बधाई दी ट्विटर पर। और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पति लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी। राबड़ी देवी ने एक गाना ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर हर पल हर क्षण बनी रहे। साजिशकर्ताओं ने जेल तो भगवान श्री कृष्ण को भी भेज दिया था। आप स्वस्थ रहें और गरीबों के सम्मान व अधिकार के लिए यूं ही लड़ते रहें। यही एक परम प्रार्थना है, यही एक दिली दुआ है। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कुछ इस तरीके से शब्दों के जरिए लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष